कहते हैं स्टूडेंट लाइफ अच्छी होती है, वो क्या जाने स्टूडेंट का डर कि स्टूडेंट लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, वो कितनी समस्याओं से गुजरते हैं। कॉलेज का डर, फैकल्टी का डर उन्हें जीने नहीं देता और अपने कॉलेज की फीस, रूम रेंट और खाने से लेकर इसी सब चीज़ों में ही मगन रहते हैं और इसी ही ड्यूरेशन में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अपने स्टूडेंट लाइफ को इसी में उलझाए हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। कभी कभी ऐसा होता है कॉलेज का पूरा दिन एक कप चाय में ही निकल जाता है। वो कॉलेज का एनवायरमेंट और वो कॉलेज के फ्रेंड, इन्हीं सब बीच में ही पूरा दिन निकलता है। इसी ही एनवायरमेंट में ढल के अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं। बिना खाए पिए एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है, बल्कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है, स्टूडेंट जो है कई दिनों तक बिना खाए पिए दिन को निकालते हैं, लेकिन उसी एनवायरमेंट में ढल के वो इतने मगन रहते हैं कि उनको दिन का एहसास नहीं होता है कब दिन निकल जाता है, कब खाया कब पिया, और इसमें ही सब पूरा दिन निकाल देते हैं। रात जैसे निकलती है जैसे दिया में बाती, अपने असाइनमेंट अपने होमवर्क में मगन रहते हुए कब 12 बज जाता है नहीं पता चलता। इसी 12 बजते बजते उनको खाने का ध्यान ही नहीं रहता। कुछ स्टूडेंट जब पहली बार बाहर निकलते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि बाहर रहना कितना कठिन है। वो कभी कभी इतना सोच जाते हैं कि घर चले जाएं, लेकिन अपने पापा का डर और अपना सपना वापस जाने नहीं देता। इसी सपने के साथ वो अपनी जिंदगी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट इसी माहौल में रहते रहते अपने तौर तरीके ढंग सब बदल देते हैं जो कि पहले उनकी लाइफ में चलता था। अंतिम वर्ष आते आते ना उनको फैकल्टी का डर, ना कॉलेज का डर और ना घर का डर, और इसी माहौल में रहते रहते वो भूख प्यास सब सह लेते हैं और अपने जीवन में जीना सीख लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ जो है हमारी जो सब जीवन की पहली सीढ़ी है, जो इस सीढ़ी पे अच्छे से चल गया वो अपने जीवन को कामयाब बना गया। स्टूडेंट का दर्द सब नहीं जानते, लेकिन स्टूडेंट ही जानता है कि उसके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, कितने दर्द आते हैं, कैसे रहन सहन रहता है। एक छोटे से कमरे के अंदर टॉयलेट, किचन, बाथरूम सब अटैच रहता है, फिर भी उसी में मगन रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वीडियो का मैसेज ये है, उनके दर्द को महसूस करके उनको आगे के लिए प्रोत्साहित करना है।